टावर है ए बी सी डी, हमारा ए विंग ऑलरेडी कंटिन्यू है 22 फ्लोर का। नई बिल्डिंग का लॉन्च हुआ सी विंग का। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं निकल गई हूँ रुनवाल गार्डन सिटी से, हाईवे से, मतलब लोढ़ा पुलावा के लिए। यहाँ पे एक स्पीरिया मॉल जो है ना, उसके अपोजिट साइड में साई सिटी करके एक प्रोजेक्ट चालू हुआ है, एक बिल्डर है, वहाँ पे मैं चल रही हूँ। वहाँ पे जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर भी बन रहा है और ये सब आपको रास्ते का व्यू दिखेगा। हाईवे पे अभी मैं चल रही हूँ और हाईवे पे मतलब रुनवाल से पलावा जाते समय के बीच में जो भी आपको व्यू यहाँ पे देखना है, आप देख सकते हो हाईवे पे क्या कुछ मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंगन ढाबा एक है बहुत अच्छा सा, यहाँ का खाना भी मतलब ठीक ही है, अच्छा है। और यहाँ पे ये सारा चीज़ नर्सरी वगैरह, प्लांट, मंदिर, ये सब मिलता है यहाँ पे, मटका वगैरह, अगर पेड़ पौधे कुछ भी अगर आपको फूल पत्ती लेना है तो ये सब चीज़ यहाँ पर मिल जाता है हाईवे पर, मतलब एक्सपीरिया और रुनवाल के बीच में जो हाईवे है यहाँ पे ये सब चीज़ आपको मिल सकता है। अगर इस एरिया में आप नए हैं और मेरा वीडियो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको ये सब जानकारी बहुत काम आएगी, और इसीलिए मैं छोटा से छोटा चीज़ बताने का कोशिश करती हूँ ताकि मेरे व्यूअर को कुछ मेरे वीडियो से फ़ायदा हो। और यहाँ पर देखिए साई सिटी का गेट है, यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ जहाँ पर ये प्रोजेक्ट चालू है, जहाँ पर मंदिर बनने वाला है। देखिए ये है जगन्नाथ जी का मंदिर, एकदम पूरी में जो मंदिर है ना, सेम मंदिर बनने वाला है। और यहाँ पर रोड भी देखिए कितना अच्छा बना दिया गया है, अंदर अभी हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पर रोड काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और अभी तो 3 ब्लॉग आएगा यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर कल जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनका जो बेटा है वो भी आए हुए थे, और वो बहुत सारे लोग आए हुए थे, उतना मुझे नाम याद नहीं है, पर अगला वीडियो में जब मैं डालूँगी ना सारा नाम एक एक याद करके मैं सारा कुछ बताऊँगी। बहुत सारे पॉलिटिशियन सब आए हुए थे यहाँ पे। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं मंडप की तरफ, और जिधर मंदिर का ये भूमि पूजन हो चुका है पिछले साल ना। हाँ, हो चुका है, आज उनका हुआ है भूमि पूजन, नहीं एक साल हो गया आज भूमि पूजन का, आज इसका। हाँ, तो अभी हम लोग चल रहे हैं मंदिर के इधर, बढ़ रहे हैं और आपको मैं दिखाती हूँ सारा कुछ कि क्या अभी हो रहा है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। देखिए यहाँ पे आ गए हैं अभी बुकिंग ऑफिस के पास, यही है बुकिंग ऑफिस साई डेवलपर का, और यहाँ पे आप बुकिंग करवाने के लिए आ सकते हो। अंदर सैंपल फ्लैट भी बना हुआ है, तो मैं अभी सैंपल फ्लैट का वीडियो तो बनाऊंगी पर इस ब्लॉग में सारा कुछ नहीं मैं शेयर कर पाऊंगी। सैंपल फ्लैट का एक अलग से वीडियो आएगा मेरे चैनल पे, जिसमें एकदम प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ फ्लैट ही आपको दिखेगा, बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा। क्योंकि जिनको भाई देखिए फ्लैट ख़रीदना रहता है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करेंगे, ना कि मतलब पूजा पाठ और जो भी यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे आज का जो ब्लॉग है इसमें पूजा पाठ और जितना भी सेलिब्रेशन जो कुछ भी हो रहा है सारा कुछ इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये सब यहाँ के स्टाफ लोग हैं, मंजू जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, तो इन लोगों से भी मेरी काफ़ी बातचीत हुई है। चलिए तो जहाँ पे मंदिर चालू होने वाला है, मंदिर बनने वाला है, वहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं। हमारी बिल्डिंग एक लॉन्च हो रही है सी बी। अच्छा, ए बन चुका है, चप्पल निकालना होगा ना, पहन के जाना है। ये विंग है। अच्छा, ये बन चुका है। अच्छा, और 24 स्टोरी का बनेगा। अपने मित्र परिवार क्या 24 को 24 स्टोरी का है, 24 स्टोरी का है, जस्ट हाईवे से स्टार्ट है बिल्कुल भी। हाँ, हाईवे से स्टार्ट है, पार पड़ना 785 का एरिया है। हाँ, 24 स्टोरी का बिल्डिंग है और जस्ट हाईवे से जस्ट है बिल्कुल एक्सपेरिया मॉल के जस्ट सामने, और 2 BHK का भी है और 1 BHK का भी है। इसमें 1 BHK का एरिया है इसमें 465 का, और 2 BHK का है 760 का एरिया है। बाकी तो सब अभी काम चालू, आज तो नई बिल्डिंग का लॉन्च हुआ सी विंग का, और यहाँ पे जस्ट मंदिर है जगन्नाथ जी का मंदिर का, आज एक साल हो गया मंदिर बन के। ठीक है, आने वाले दिनों में शिव जी का भी मंदिर बनेगा।
कार्यक्रम थैंक यू प्रमिला जी इन्फॉर्मेशन देने के लिए परिवार तसेच गौडा साहब आणि त्यांचे सर्व जो सहकार आहे त्यांच्या वतीने बीजेपी से भी जुड़ी हुई हूँ इन लोग के साथ, तो यही ये लोग बुलाई कि आप आइए यहाँ पे वीडियो बनाइए। तो मैं सोची आज सेविंग का लॉन्च हुआ, सेविंग का लॉन्च हुआ, तो आपका जो आज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हमारा चार्ट नंबर है ए बी सी डी। हमारा ए विंग ऑलरेडी कंटिन्यू है 22 फ्लोर का, बी विंग 22 फ्लोर का है, और आज हमने सी विंग का 20 स्टोरी का लॉन्च किया हुआ है। सेम लग्जरी प्रोजेक्ट है जो मतलब ऑल एमिनिटीज, स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, जॉगिंग ट्रैक, जो भी एमिनिटीज कॉमन चीज हम देते हैं। प्लस मेन बात साइंस सिटी में हमारा जो सारे महाराष्ट्र में किधर भी जगन्नाथ मंदिर नहीं है, जो किसी को जगन्नाथ मंदिर जाना है तो उन्हें पूरी जानी पड़ती है। इस बात को ध्यान रखते हुए हमारे पास जो उड़ीसा कुछ कम्युनिटी के लोग हैं उनकी इच्छा थी कि भाई हमारे पास जमीन नहीं, हमें कोई एक मंदिर बनानी चाहिए, तो हम इसके लिए उनको एक जमीन दान दिए और एक हमने भूमि दान दी किया है, और एक बेटा जो जगन्नाथपुरी की प्रति है सेम वो वैसा मानने की कोशिश करेंगे और अगले साल तक हम मंदिर बना देंगे। और किसको भी जगन्नाथपुरी जो जा नहीं सकते वो यहाँ आके सर्व सामान्य दर्शन कर सकते हैं। सेम वैसे ही फील होगा। यस थैंक यू सर। मंदिर का भी सब चालू है कार्यक्रम, पूजा स्थापना जय महाराष्ट्र। सारे डोंबिवली वासियों को हम अभी आप सभी को स्वागत करते हैं आज के रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम के तहत। आप सब लोग अपनी स्थान ग्रहण करिए, सब लोग बैठ जाइए, बहुत सारी जगह पड़ी है और आप लोग फील नहीं होंगे, मतलब दर्शन से भरा हुआ। अगर हॉल नहीं होगा तो आर्टिस्ट लोगों को बैठक करने में मजा नहीं आएगा, तो प्लीज टेक योर सीट। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। हम जगन्नाथ जी का भूमि पूजन आज ही के दिन हुआ था, गुड़ी पड़वा के दिन, तो उसी का सालगिरह मनाते हुए हम लोग आज एक कल्चरल प्रोग्राम रखे हैं और सुबह से ही 10 बजे से ही रात को 10 बजे तक सब कुछ चल रहा है और आप लोग आते जाइए और यहाँ प्रसाद की भी व्यवस्था है। ये मैं हार्दिक स्वागत बोलना चाहूंगी साई ओम साई बिल्डर एंड डेवलपर्स साई सिटी को, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा मौका दिया है मंदिर बनाने के लिए इस जगह को सैंक्शन करके। संगीत है, म्यूजिक है, सब कुछ है आपका एंटरटेनमेंट के लिए। इसी को संचालन करने के लिए मैं जिनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी वो एक मशहूर कलाकार है। सी इज नॉट ओनली एंकर, वो खाली एंकर नहीं है, वो गाना भी गाती है, संगीत की प्रेमी है,
ओडिशा के बारे में जिनको मालूम होगा, आप सबको मालूम होगा कि जगन्नाथ जी का भजन जो अच्छे से गाते हैं भिखारी वाल जी, उन्हीं के नातनी है वो, उनका नाम है स्वाति श्वेता राय। अभी मैं उनको मंच पर बुलाऊंगी। स्वाति प्लीज कम अप ऑन द स्टेज, यू विल बी गान टू हर। और मैं स्तुति सा हूँ, मैं एक ओडिसी डांसर कोरियोग्राफर हूँ, वो भी मेरे बारे में आपको बता देंगे। आओ, उनके बारे में इतना बता दूं, इनका इंट्रोडक्शन, स्वाति श्वेता राउत ए पॉपुलर नेम इन ओडिशा आज बोल आज इन मुंबई। सी इज ए आरजे, आरजे स्वाति उनका नाम हम इसी नाम से जानते हैं। सी हैज बीन वर्किंग इन मेनी एफएम स्टेशंस इन ओडिशा, ओडिशा के कई सारे एफएम स्टेशंस का संचालन वो करती है और बहुत अच्छी तरीके से करती है। Also, she is a renowned voice over and dubbing artist. आप सब जो वॉइस ओवर देखते हैं, निर्मा सागर या अमिताभ बच्चन जी का जो या जो भी सब आप लोगों को टीवी में और सिनेमा के स्क्रीन पर जो वॉइस ओवर जो करती है, वो इनके पीछे इन्हीं का बहुत बड़ा हाथ है। सारा वॉइस दिया है, मूवीज में दिया है, एड्स में दिया है, जिंगल्स में दिया है और यूट्यूब चैनल में उनका ऑडियो वीडियो सब तरह का वीडियो है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी इन्हीं का आप देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि इन्हीं भी, ये तो इधर से मशहूर है ही तो पूरे दुनिया में मशहूर हो जाए, ये हमारी बेटी है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो प्लीज जुड़े रहिएगा।